मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहां बैठ के दुआ मांग रहा था। उसके दुआ के लफ्जों पर गौर कीजिए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा था। हुजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा, वो जो दुआ मांग रहा है उसको जाके बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो मांग इस ढब से रहा है। तो ये दुआ अपने रब से न्याज है, दुआ खुद इबादत है। जब तुम्हारी जरूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। इन्ना रब्बकुम हयीयुन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ो। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मैं एक सादी सी बात करता हूं, इतने लोग जितने लोग यहां बैठे हैं अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज तलब करें और वो देने की इस्तेआत रखता हो तो वो क्या खाली लुटाएगा? वो कहेगा इतने लोग आगे हो तो डेरादारी की शान के खिलाफ है कि मैं इनको खाली लुटाऊं। तो जब ये दुनियादार खाली नहीं लुटाता तो रब कैसे खाली लुटाएगा? जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की जरूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उलमा ने कहा दुआ हर सूरत कबूल होती है। या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता, लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है ना फौरी दिया जाता है ना बदेर दिया जाता है, उस दुआ को जखीरा कर लिया जाता है और हशर के दिन उसका बदला दिया जाएगा। और रिवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था, तो लोग आरजू करेंगे काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सारे सिले आखिरत में मिलते। अल्लाह अकबर।